अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी आपके बच्चों की सेहत इज़्ज़त ईमान में अपनी खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक हमें, आपको और तमाम मुसलमानों को रमज़ान की रहमतें बरकतें फजीलतें समेटने की सेहत तंदुरुस्ती के साथ तौफीक अता फरमाए, आमीन। सिर्फ मुझे ही रोज़ा रखना था तो बस मैंने उठ के रोटी और सालन रात में मैंने बनाया था ऐसे ही अंडे की भुजिया, वो मैंने खा ली। वरना मैं ना शहरी में दही खाती हूँ, मगर बस अचानक से रमज़ान था तो क्या कर सकते। और ये देखिए, ये अब मैं जो हूँ ना, सुबह मैंने बोला कि चलो दाल और चने वगैरह फुला लो। सुबह का मतलब ये है कि 6 बजे रहते 6:15 हमाद आया, तो क्योंकि हमाद ने तो ऑफिस में सहरी कर ली थी तो हमाद आया तो मैंने बोला चलो इसी वक्त तो देखें गैस नहीं है, यानी कि रात भर गैस रहा और अब गैस चला गया। खैर मैंने ठंडी पानी में ही चढ़ा दिया और फिर गैस नहीं 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 तो दोपहर के 2:30 बजे तशरीफ़ लाया गैस। अब ये बताएं कि क्या बोलोगे, क्या सिस्टम, क्या निज़ाम, क्या मेरे समझ से बाहर है कि क्या रमज़ान में रोज़े होते हैं तो हर किसी के लिए रोज़े फ़र्ज़ है ना? कोई बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, बीमार है, कोई बच्चा है, कोई जच्चा है, हर घर में हर तरह के लोग होते हैं, तो क्या सबको रोज़ा रखवा दें? अब 2-3 दिनों से तो देखिए बारिश मुस्तकिल हो ही रही थी, तो फिर तेज़ बारिश शुरू हो गई। फ्रेंड्स, जैसे आप सब देख सकते हैं कैसे बारिश हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए बिल्कुल सारी चीज़ें धीरे हो रही हैं। फ्रेंड्स, इतना अच्छा सा लगता है ना, मतलब इतनी मतलब अच्छा लगता है कि जब बारिश होती है, देखिए ज़रा। सारे बच्चे अभी बाहर निकल के आ जाएंगे, अभी तो थोड़े ही बच्चे आए हैं मैं आके, और कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं बाकी। अभी जब सबको पता चलेगा बारिश हो रही है तो पूरी भीड़ लग जाएगी। खैर हमने भी फिर बच्चों को रोज़ा ही रखवा लिया, मैंने बोला अब 2:30 बजे तक रोज़ा रखो तुम लोग, तो बैठते फिर गई तो देखा कमरे में, देखी कि अफसा के लिए एक बन ला के रखी थी। घर में पता है बच्चे सब बीमार चल रहे थे, अफसा मरियम बीमार थी, बुखार था, तो वो बन मैंने फिर आधा आधा दोनों को चॉकलेट लगा के दिया कि ये खा लो, तो खैर तो उन्होंने फिर वो खा लिया। थोड़ी देर के लिए तो सबर हो, क्योंकि हमाद ने मुझे देख के बताया कि नहीं शेड्यूल आ गया है तो वो 12:30 बजे गैस आ जाएगी। मैंने बोला चलो भाई कोई बात नहीं, 9 बज रहे हैं गैस आ जाएगी, जब तक का हम घर की सफाई कर लें। तो माशाल्लाह से रमज़ान है तो रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारियाँ तो करनी होंगी, तो बस हमने फिर घर साफ़ किया, नई नई बेड शीट वगैरह लगाई, तो सारे काम वाम करती रही, साथ साथ बार बार गैस चेक भी कर रही थी कि गैस चेक जैसे आएगा फटाफट, और चने वगैरह मैंने धो के रख दिए थे कि बस जैसे गैस आएगा फटाफट चढ़ाऊँ, क्योंकि चने जो है ना पकने में थोड़ा टाइम लगता है जब पतीली में पकाओ, कुकर में तो फौरन पक जाता है। खैर मुझे पतीली में बनाना था, तो बस सब काम करते 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 दोपहर के 2 बज गए मगर गैस नहीं आया। मैंने बोला चलो भाई अब मरियम को पोनी वगैरह कर दो, मरियम को पोनी कर ली, अब बारिश थोड़ी सी रुक चुकी है मगर फिर भी गैस नहीं आया। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर हमने साफ़ सुथरा कर लिया, बच्चों को भी साफ़ सुथरा कर लिया, मगर गैस को ना आना था ना आया, 2:30 बजे को आया। फिर मैं जल्दी जल्दी खड़ी हो गई कि चलो बच्चों को जल्दी से रोटी और कुछ बना के दो, तो बस जल्दी से दही आई नीचे से ले आई और रोटी बना के बच्चों को दिए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों को आइए। देखिए ड्रेस वैसे ही रखा हुआ है क्योंकि अब सब 3 दिन तक वो स्कूल नहीं गई ना, तो बिल्कुल प्रेस करके ऐसे रखा हुआ। और फिर मसला सबसे बड़ा ये हो रहा था कि हम आपके पैर में चोट लग गई थी, वो गया था मलिर, वहाँ से वापसी आ रहा था तो बाइक स्लिप हो गई, उससे उसके पैर में चोट लगी, तो सारा
जो है ना परेशानी सा हो रहा था। कितना टाइम हो गया देखो। टू थर्टी वन ढाई थर्टी वन देख लीजिए, 2:30 बजे आया है गैस। अब बच्चों को नाश्ता बना के दो, अफ्तार की तैयारी करो, क्या करो क्या नहीं। 2 घंटे बाद गैस। 2 घंटे बाद तो 2:30 बजे आना था। 12:30 बजे का मैसेज तो आया था कि 12:30 बजे पहला रोजा है। पता है ऐसे काम में इतना परेशानी होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है क्या काम कैसे करना, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है सारे घर के काम होगा। अच्छा तो लग रहा है, अभी अफ्तार तो पूरा बाकी है ना। हाँ। बस अल्लाह ये राय दे ऐसी गवर्नमेंट को, पूरा मुल्क रोजा रखे, अब बच्चे बुड्ढे बीमार सब रोजा रखे। ठीक है, आप जा रही हूँ मरियम अफसर को नाश्ता देने। ये यहाँ चना भी चढ़ाई नहीं हो, ये चना बन जाए थोड़ा सा, बाकी अब काम ऐसा ऐसा होगा। चलो जाओ। रमज़ान की पहली सहरी और इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियाँ। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।